यहाँ अपना नृत्य कला आविष्कार हमारे सामने सादर करिए। स्वागत करते हैं श्रीयुत शिशुपाल बटले शालिनी जी यहाँ पे भी देखिएगा, ये श्यामा तुलसी है। शालिनी मैडम इधर भी देखिएगा, इधर भी देखिएगा, पहनाने के बाद स्वागत करने के बाद। हाँ यार, तुलसी हमारे घर के आंगन में, उसकी मंजुला फिर से उसकी और एक पौधा। थैंक यू मैम। विद्यमान पदवीधर मतदार संघ के आमदार एमएलए, उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ निर्मला ताई सामंत। मैम यहाँ देखिए, मैम यहाँ देखिए उसके साथ। जी जी गुड, होल्ड होल्ड। धन्यवाद धन्यवाद मैम। उमा जी होल्ड रखिएगा। नमिता संतोष जी रिटायर्ड डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो से हैं। मैडम हमारे बीच आज उपस्थित है श्री आलोक शर्मा जी, उनका भी स्वागत करेगी। भरतनाट्यम के इस बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य एक अनूठे आयोजन में इस मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित अतिथिगण,
परम आदरणीय विधायक महोदय, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे बड़े भाई आदरणीय आलोक शर्मा जी भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज के बहुत बड़े अधिकारी हैं, और आज इस आयोजन की मुख्य सूत्रधार भारतीय संस्कृति और कला की जो एक अमिट मिसाल है, उस भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाने वाली भारतीय संस्कृति की छाप जो एक विश्व भर में अपने बहुत ही अनूठे प्रयास और मेहनत से सफलता के ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाली बहुत ही हमारी सम्मानित और आदरणीय आज इस आयोजन की कोरियोग्राफर या डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर और व्हाटएवर यू कैन से सम्मानित शालिनी जी शर्मा अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। सारे जो कलाकार जो वाद्य यंत्रों पे बैठे थे, उन सारे सम्मानित कलाकारों को मैं बहुत ही नमन करता हूँ। साथ ही हमारी बहुत ही प्यारी बच्चियाँ, उन बेटियों को जो हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान जो अपने आप में बहुत ही जिसकी एक अमिट पहचान है कला और संस्कृति को लेकर, और उस विरासत को, हिंदुस्तान की विरासत को, कला और संस्कृति की जिसकी एक अमिट छाप पूरे विश्व के मानचित्र पर हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों की बुलंदियों पे पहुंचाती है, उस कला को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए उनके आप बहुत ही माननीय प्रशंसक, आप बहुत ही इस कला की आदर करने वाले, इस कला को अपना सहयोग देने वाले, इस सभागार में विराजमान जितने भी आप दर्शक हैं, बहुत ही सम्मानित दर्शकों, आप सबके पावन और पवित्र मन मंदिर में विराजमान माँ जो कला की देवी है सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आदरणीय शालिनी जी का, उनकी पूरी टीम का, आप सभी की ओर से, हमारे मंच की ओर से, हमारे सारे अतिथि साथियों की ओर से बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत दिल से बधाई देते हैं। हमारी दिल से शुभकामनाएं कि आप अपनी कला को, जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही अमिट धरोहर है, जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्नाइज हमारे सोसाइटी में हमारे कल्चर पर हावी होने की जो कोशिश कर रहा है, एक नई आने वाली पीढ़ी जो उसके रंग में धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही हलने वाली लग रही है, लेकिन बधाई देता हूँ आप और आपकी टीम को कि आप मजबूती के साथ हिंदुस्तान की इस धरोहर को, इस संस्कृति को, आज भरतनाट्यम जैसा एक बहुत ही, जिस तरीके से बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति दी कला की, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उनके आंखों के एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे के हाव भाव, उनका एक बॉडी लैंग्वेज, उनका एक कॉन्फिडेंस, जो कला बेहतरीन तरीके से आपने जो शिक्षा दी है इन बालिकाओं को, मैं मंच की ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ शालिनी जी। भारत सरकार में चेयरमैन रहा हूँ, मेरे को बहुत विदेशों में जाने का अवसर मिला, बहुत गवर्नमेंट के मैं कल्चर और प्रोग्राम्स में भी, मैं दुनिया में काफ़ी मुझे सरकारी और गैर सरकारी दौरे किए हैं, बट मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हमारी जो पहचान है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, वही आदिकाल से चली आ रही, हमारी सदियों सदियों से चली आ रही जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी चाहे नृत्य कला है, चाहे हमारी संगीत कला है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। आप मेहरबानी करके भारत माता की इस जो एक बहुत ही प्रभावशाली धरोहर है, उसको आप यहाँ से संकल्प लेके जाएं तो आज का ये कार्यक्रम सार्थक होगा, अपने आप में आपकी उपस्थिति सार्थक होगी, तो हम कभी भी अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इस कला से आत्मीयता से जुड़ाव रखने का एक संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जो आपने मान दिया, सम्मान दिया, आपके बीच आने का मौका दिया, हालांकि मैं इसके अलावा भी, मेरा बॉलीवुड से भी काफ़ी रिश्ता है, मेरा अपना फिल्म प्रोडक्शन का भी काम है, एक लास्ट आखिर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिन भी महान अदाकारों ने, जिन्होंने चाहे नेशनल लेवल पे अवार्ड लिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में अपनी ख्याति और अपना नाम किया है, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे वैजयंती माला जी हो, चाहे मीनाक्षी सिसादी हो, चाहे माधुरी दी जी हो, अगर उन्होंने ये जो कला दिल से उन्होंने अगर सीखी नहीं होती, तो शायद उन ऊंचाइयों पे, उन
मुकाम पे वो नहीं पहुंची होती, क्योंकि ये वो कला है जो आपको अपने आप को परिपूर्ण कर देती है, अपने आप को पूरा एक सार्थक कर देती है। तो आखिरी शब्दों को विराम देके ज्यादा समय ना लेके भावनावश में बहुत अभिभूत हुआ आपकी कला और आपके परफॉर्मेंस को देख के। सो आखिरी मैं पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं शिशुपाल सिंह नगर कभी भी आपके किसी भी वक्त कोई भी इस कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकूं तो मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। आप मुझे याद करिएगा। सेवा पार करता है अपने या पांच शिष्या जैनी गुरु शालिनी कड़े गेले अनेक वर्ष। डेफिनेटली नृत्य कला अकेडमी की तरफ से आज जो अरंगेत्रम का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा, जहाँ पे पांच बच्चियाँ थी, उन्होंने उनकी जो गुरु है शालिनी शर्मा अग्निहोत्री जी को उनको उनके सामने परफॉर्म करके आज उनको एक सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम था। और भरतनाट्यम जो हमारी कला है वो उन्होंने अपने बचपन से सारे शिष्यों ने जो किया था वो देखने के लिए शालिनी जी ने और हमारे जो सरला जी है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे पूरी पूरा एक बोलते ना विश्वास था कि ये जो बच्चियां हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। और मैं खास करके शालिनी जी का जो प्रोफाइल देखा और सुना तो मुझे मैं खुद ही बहुत ही उत्सुक थी कि उन्होंने जो शिक्षा दी है इतने सालों से तो वो किस तरह से वो परफॉर्म करेगी। और बहुत ही मन को संतुष्टता हुई कि ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसे जो हमारी गुरु है जो हमारे भारतवर्ष में जो शालिनी शर्मा है ये जो शिष्या है ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव हमारी कला का हमारी जो प्राचीन कला है भरतनाट्यम उसकी उसको आगे प्रमोट कर रहे, हमारी कल्चर को प्रमोट कर रहे, हमारी सभ्यता को कल्चर कर रहे, हमारे देश की कल्चर को सभ्यता को आगे कर रही है। उसमें ना कोई द्वेष है ना कोई ये है, सिर्फ प्यार ही प्यार है और ना कोई जात है ना पात है ना कोई धर्म है ना कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश की कल्चर है, जो कला है जो हम परफॉर्म करते हैं और गुरु को दक्षिणा देकर भारत को आगे बढ़ाते हैं, विदेशों में आत्मसम्मान की जो भावना को वो उजागर करते हैं। How this whole thing happened, this initiative, this particular program started today? This is Arangetram, which means it's like a Guru Dakshina program or kind of, I would say, initiation to performance on the stage to the kids who have been learning last 10 to 12 years now. So it's basically the first, it's like the beginning. The word Arangetram means beginning of the dance. There are people who actually, students who stop learning after Arangetram, they feel they are the masters. But no, this is the beginning. So this is the first performance of the kids who have learned for so many years with me and my assistant Namita Sanke. So this is for them. Arangetram is a normal process. It's not new that I'm doing anything new. It's a normal process. It's more common in southern part of India, and the southern part of India is actually carrying our culture really well, and because most classical dance forms are from southern part of India and east part of India, like it has different terms in different dance. Most like Carnatic based
music system dances like Kuchipudi, Bharatanatyam or Mohiniyattam and all. They call it Mancha Pravesh or Ranga Pravesh or, you know, Arangetram. That is the term which is used. So I'm not doing anything new. It's a tradition. It's okay, a tradition. What I found new is somebody from Bollywood, for example, Amjad Saboo, very good Maka, the film about girls. Or you're promoting all the female who are part of the industry. Yes. You know, small kids, the girls especially. Yeah. Do you think there are possibility who are part of this dance program, who have done this, who have learned Bharatanatyam, will be a possibility going to Bollywood? Bollywood is a different scenario altogether. It's a different world. Definitely, we have had big artists like Vaijayanti Mala, who is an excellent dancer. As in, she is one of the most adored dancers that ever danced, like Shobhana Narayan, Hema Malini ji, and Meenakshi Seshadri ji. So these are few people who are already, they were dancers, Indian classical dancers, and then they moved to Bollywood. So yes, there is a possibility, and it's very difficult for me to comment on that because it's a very individual choice of the child. A very recent example, you know, being an entertainment journalist, I've seen Badi Rao Mastani, Deepika Padukone, yes, was seen by a classical dancer, you know him? Yes. Yes, because you know what, nowadays what I see is even the Bollywood is quite using, because previously they used to use most of Kathak influenced, you know, steps like Biju Maharaj had, you know, choreographed dances for the movie. Devdas. So Devdas was classical, yes, it was entirely choreographed by him. So there was a lot of influence of Kathak and they had beautiful choreographies. So that is happening. And like in olden days and southern, you know, Tollywood movies, if you actually check, so most movies have Bharatanatyam or Kuchipudi as an exposure, even in class, like Kamala Hassan. He's Kamala Hassan ji, there is a movie now recently, I forget the name, where he is actually teaching, yes, Vishnu. He's teaching Kathak in that, which is again been choreographed by Biju Maharaj. And he's been always doing previous movies, you know, in southern, South Indian movies, which influences Bharatanatyam and Kuchipudi and other dances. Thank you so much. Jo program kiya hai Shalini ji ne, जैसे कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, तो आई थिंक मुझे लगता है शालिनी जी ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो सेट किया है और बालिकाओं ने जो प्रोग्राम जो दे रही हैं, जो नृत्य कर रही हैं, हम लोगों को इतनी खुशी हुई है और देख करके आई एम रियली ब्लेस्ड दैट दे हैव कॉल्ड मी एज अ गेस्ट इन दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. हाँ, एक संस्कृति का सूत्र है साहित्य संगीत कर. डॉक्टर संतोष शर्मा, वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन फॉर 40 ईयर्स एंड रिटायर्ड फ्रॉम CSU आकाशवाणी बॉम्बे. मैंने कार्यक्रम देखा और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रही थी कि संस्कृति का एक सूत्र है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन. संगीत इंसान को वो दौलत मिली हुई है जिसके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करता है. और पहले जो साहित्य और संगीत था इसको राजाओं का संरक्षण मिला था, इसीलिए ये बहुत सीमित दायरे में ही था. पर अब जैसे एकेडमी है, नृत्य एकेडमी है, या जैसे शालिनी जी जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने कि इसको एक्चुअल में हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में अपनी संस्कृति, अपनी कला की एक विशिष्ट पहचान है. उसी के बारे में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में अपने आप का एक बहुत बड़ा नाम है, पहचाना जाता है कला संस्कृति को लेकर. आज का जो विशेष जो एक कार्यक्रम है जो अंगरितनम, ये जो भरतनाट्यम जो एक हिंदुस्तान की बहुत ही सदियों पुरानी एक महान नृत्य कला है, उसको लेकर ये आयोजन जो है शालिनी जी शर्मा अग्निहोत्री जो एक इस कला की बहुत ही पुरानी बहुत ही एक लोकप्रिय गुरु भी हैं, आप कह लें एक कला निर्देशक भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं,
अपने आप में इस कला में बहुत ही निपुण हैं और वो भारतीय कला को इसको आगे बढ़ाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और हमारे समाज में बहुत पाश्चात्य का प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति और कला को जीवित रखना हमारा एक मूल उद्देश्य भी है, हमारा फर्ज भी बनता है, कर्तव्य बनता है। और साले जी बहुत बेखूबी के साथ उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं, उनको निपुण कर रही हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी एक भरतनाट्यम भी उसमें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने देखा बच्चों ने बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ, गंभीरता के साथ, एक लगन और मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की है। आज उनकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उन सब बच्चों को दिल से बधाई देता हूँ, आप सभी मीडिया जगत के मेरे साथियों की माध्यम से, कि उनके सुनहरे भविष्य के लिए मैं उनको दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही सानिनी जी, जिन्होंने इस कला को भारत ही नहीं विश्व के आयाम पर पहुँचाने के लिए जो अपना एक भागीरथी रूपी गंगा में उन्होंने अपनी भी एक जो समर्पण दिया है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबके बीच और मैं यही उम्मीद करूँगा कि हमारे राष्ट्रीय धरोहर को, हमारी भारत की कला और संस्कृति को इसी रूप में विश्व के मानचित्र पे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से ये संदेश आम जन जन तक पहुँचे और इस कला और संस्कृति को और मजबूती मिले, आप लोगों का, आम जनता का बहुत आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार पुनः इन सबको, बहुत अपनी दिल से शुभकामनाएं देते हुए। आप सभी मीडिया भाइयों का आप पधारे और आपने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, उसको आपने और भी एक शानदार और भव्य रूप दिया है। मैं बहुत आप लोगों का भी, सारे चैनल्स का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का और हमारे मीडिया जगत के साथियों को शुभकामनाएं देते हुए बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा छोटा सा, एक मैं फिल्म निर्देशक हूँ, डायरेक्टर अमजद खान नाम है मेरा। इस इवेंट में आया हूँ, सारिनी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इतना खूबसूरत सा इवेंट देखने का। भरतनाट्यम के बारे में दो तीन लाइन में बता दूँ। शिवइज़्म, वैष्णविज़्म और शक्तिज़्म, तीनों का जो रूप है एक साथ जब उसको डांस फॉर्म में हम लोग साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, उसे भरतनाट्यम कहा जाता है। ये तमिल संस्कृति से आया हुआ है और फिजिकली आपको पूरी तरह से फिट रखता है, आपका ब्रेन को, आपके चेहरे में बहुत सारा एक्सप्रेशन, आपको आपके ऑर्गन्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ होना और साथ ही साथ कल्चर को लेके आगे बढ़ना, वो भरतनाट्यम है जो तमिल संस्कार से है, संस्कृति से है। और इसमें शिव शक्ति का है और विष्णु जी का है, वो बहुत कुछ मिला के एक रूप है जो भरतनाट्यम बहुत पुराना है, बहुत दिनों से चलता है। एक बहुत बड़ा प्रयास है ये भारतीय संस्कृति का आगे बढ़ना, पूरे वर्ल्ड में हमें जाना जाता है कुछ हमारे कल्चर के वजह से, उसमें से भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है जिसके वजह से पूरी दुनिया में इनका एक अलग चर्चा रहा है और चलता भी रहेगा। ये अभी के जनरेशन जहाँ पर वेस्टर्न डांस हिप हॉप वॉप में चल रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे बच्चे अभी के जो जनरेशन है इस कल्चर को पकड़ के रखे हैं, साथ ही इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। और शालिनी जैसे महान जो हैं अदाकारा, इतने बड़े टीचर, वो इनको सिखा रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके साथ, बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद मेरे तरफ से बच्चों को, ये लोग और अच्छे परफॉर्म करें और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। थैंक यू।